नाउ एक्सरसाइज 8.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेवंथ पार्ट वाई इज इक्वल टू log of x रेस टू पावर 4। हमने डिफरेंशिएशन करना है तो देखिए यहाँ पर भी हम चेन रूल लगाएंगे और log का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए ये log of दिस फंक्शन तो ये हमारे पास चेन रूल तो लगेगा तो log of का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है सीधा सा 1/, जैसे हमने पढ़ा log of x का डेरिवेटिव 1/x, तो ये सारा यहाँ पर आ जाएगा log of x रेस टू पावर 4 फिर गुणा में। अब इसका डेरिवेटिव करना है इस ब्रैकेट के अंदर जो है तो log फिर से है तो इसका फॉर्मूला फिर से क्या हुआ 1/ किसका है ये तो ये सारा बटे में आ जाएगा log of x रेस टू पावर 4। उसके बाद फिर इसका डेरिवेटिव तो इसमें x रेस टू पावर 4 है इसका डेरिवेटिव होता है 4x रेस टू पावर 3। तो बस इतना ही आएगा उसमें कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा है जो कैंसिल करना चाहें हम तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं जिसमें दे रखा है e रेस टू पावर x log ऑफ x ये फंक्शन दे रखा है तो देखिए डेरिवेटिव करते हैं इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो इसको आप सेकंड फंक्शन मान लो तो जैसे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1/x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और इसका डेरिवेटिव आपके पास इसका तो यही होता है सेम और ये एज इट इज है तो ये डेरिवेटिव आ। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है जिसमें हम y लेट करते रूट ऑफ 1+e^x / 1-e^x। डेरिवेटिव करने के लिए यहाँ पे एक तो रूट है तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे 1/2√(1+e^x / 1-e^x) ये हमने रूट का डेरिवेटिव किया। उसके बाद देखिए ये u/v है तो उसमें u/v का फॉर्मूला चलेगा तो कैसे करते हैं जो नीचे है डिनोमिनेटर रहेगा एज इट इज और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव e^x आएगा इसका 0 माइनस में अब ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -e^x डिवाइड में आएगा इसका स्क्वायर इस तरह से। अब इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए ऊपर क्या है e^x को मना रहा है क्या बच गया 1-e^x ये आपके पास प्लस हो गया 1+e^x इससे कैंसिल भी हो जाएगा ये आपके पास बच गया 2 यहाँ पर है ये 1+e^x/2 और ये 1-e^x की पावर वो भी हाफ और यहाँ पर ये गुणा में है 1-e^x/2। तो देखिए ये 1 और 1 2 हो गया 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा e^x डिवाइडेड बाय 1+e^x/1/2 इसकी पावर 2 और इसकी पावर ये हाफ है तो ये 2 में से हाफ माइनस करेंगे तो क्या बचेगी इसकी पावर बचेगी 3/2। तो ये डेरिवेटिव आ गया इस फंक्शन का। एक्सरसाइज 8.5 में क्वेश्चन नंबर 4 है y = e^(log(x+√)x²). इसमें एक रिजल्ट है हमारे पास कि e^(log(something) है तो वो समथिंग ही बच जाता है यानी दोनों कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं या फिर अगर ऐसे होता है log(e^)पर होती तो भी आपके पास कैंसिल हो जाते तो सिंपली ये आपके पास बचेगा x+√(x²+a²। अब देखिए डेरिवेटिव करना कितना आसान है तो x का तो हो जाएगा 1 इस रूट का हो जाएगा 1/2√ और x²+a² का हो जाएगा 2x 2 से 2 कैंसिल ये बच गया 1+x√(x²+a²। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है y = log(e^(x)(5x-3)/4x+2)^3। यहाँ पर देखिए log के बाद यहाँ पे दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है इसलिए जैसे m ये n है तो फॉर्मूला क्या बोलता है तो इसको लिखेंगे हम log(m+log(n) ये ऐसे बन जाएगा। अब देखिए फिर से log(e^)पावर है तो आपके पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे सिर्फ क्या बचेगा x बचेगा इसमें क्या log(m)^n है तो ये n पावर आगे आ जाएगी और ये log(f)^ 5x-3/4x+2। अब इसमें फिर से एक फॉर्मूला और लगा सकते हैं कि log(m)/n है तो वो बनेगा log(m)-log(n) ये ऐसे बन गया। अब देखिए डेरिवेटिव करना कितना आसान है ये y ही चल रहा है हमारे पास
तो देर फोर डी वाई बाई डी एक्स बनेगा, इस एक्स का हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 3 ब्रैकेट शुरू, इसका डेरिवेटिव होगा ये बटे में आएगा देखिए 1 बाई 5 एक्स माइनस में 3, और इसका हो जाएगा 5 माइनस, इसका हो जाएगा 1 बाई 4 एक्स प्लस में 2, और इसका हो जाएगा 4। अब इसको कर देते हैं 1 प्लस में, इसको ना अंदर गुणा कर दो तो ये आएगा 5 बटे में 3, और ये 1 बाई में 5 एक्स माइनस 3, इसको भी कर दो तो माइनस में 4 बाई 3 और 1 बाई में 4 एक्स प्लस 2, तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है, इफ y इज इक्वल टू e रेस टू पावर 2 लॉग x प्लस में 3x, प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू x e रेस टू पावर 3x * 2 + 3x। ये करने को डायरेक्ट एक्सपेंस को, लेकिन इसमें देखिए e की पावर में लॉग आया हुआ है तो इसको हम कैंसिल करना चाहेंगे, उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा, देखिए e की पावर ये m प्लस n है तो ये हो जाएगा e की पावर m * e की पावर n, यानी e रेस टू पावर 2 लॉग x और e रेस टू पावर 3x, इस सेपरेट कर लेंगे इस तरह से। अब इसमें देखिए 2 पावर को हम x के ऊपर ले जाएंगे क्योंकि हमने इसको लॉग को कैंसिल करना है, और इन 2 में बच गया e रेस टू पावर 3x। अब देखिए कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा, जस्ट एक्स स्क्वायर बचेगा और e रेस टू पावर 3x। अब डेरिवेटिव करना आसान हो गया, तो देखिए dy बाई डी एक्स इतना आता है, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव आएगा e रेस टू पावर 3x * 3x का हो जाएगा 3 प्लस में e रेस टू पावर 3x एज इट इज़, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। अब कॉमन लेना है हमने इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x कॉमन है, एक e रेस टू पावर 3x कॉमन है, इसमें बचेगा हमारे पास जस्ट 2, इसमें बचेगा हमारे पास 3x। हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, इफ y इज इक्वल टू e रेस टू पावर x माइनस e रेस टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e रेस टू पावर x प्लस e रेस टू पावर माइनस x, देन प्रूव दैट dy बाय dx इज इक्वल टू 1 माइनस y स्क्वायर। तो डेरिवेटिव करते हैं डिफरेंशिएटिंग, इसको ऊपर ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इज इक्वल टू u बाय v का फॉर्मूला लगेगा, v को रखेंगे एज इट इज, u का डेरिवेटिव कर दो, e रेस टू पावर x का e रेस टू पावर x रहेगा, माइनस e रेस टू पावर माइनस x का e रेस टू पावर माइनस x, बट माइनस x की वजह से प्लस x हो जाएगा माइनस। अब u एज इट इज e रेस टू पावर x माइनस e रेस टू पावर माइनस x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव कर दो, e रेस टू पावर x का e रेस टू पावर x प्लस e रेस टू पावर माइनस x का e रेस टू पावर माइनस x, बट माइनस x का माइनस 1, तो इसको माइनस कर देते हैं उठा के, डिवाइड में क्या आएगा e रेस टू पावर x यानी कि v का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया जस्ट हमने, इज इक्वल टू, अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में से, कुछ भी कॉमन नहीं है, बट ये हमारे पास क्या बन गया e रेस टू पावर x प्लस e रेस टू पावर माइनस x का स्क्वायर बन गया, माइनस ये क्या बना e रेस टू पावर x माइनस e रेस टू पावर माइनस x का स्क्वायर, y में क्या बच गया e रेस टू पावर x प्लस में e रेस टू पावर माइनस x इसका स्क्वायर। अब इसको हम क्या करते हैं, दोनों टर्म्स को इसे डिवाइड कर देते हैं, पहली टर्म को डिवाइड करेंगे देखिए सेम सेम है तो आएगा 1 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा ये, इसको पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आपके पास है 1 और ये आपके पास है देखिए दिस इज इक्वल टू y, तो ये y का स्क्वायर आ गया, और हमने यही प्रूव करना था देखिए, हैंस प्रूव्ड।